अब आपको ये बात पता होनी चाहिए सर, इम्पोर्ट्स होती क्या है। इम्पोर्ट्स वो गुड होती हैं जो कि हम दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं। सर क्या मतलब? मतलब ये है कि बेटा एक कंट्री है पाकिस्तान, एक कंट्री है जापान। अब आपने जापान के अंदर गाड़ी थी, आपने जापान से गाड़ी मंगाई, जापान से गाड़ी आई, गाड़ी कहाँ पर आ गई? पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट करा, पाकिस्तान ने दूसरी कंट्री से खरीदा, तो पाकिस्तान ने क्या करा? इंपोर्ट। इंपोर्ट वो गुड्स होती हैं जो कि आप दूसरी कंट्री से खरीद रहे हो। अब सर हम इंपोर्ट्स में क्या क्या खरीद रहे हैं? जैसे कि मशीनरी, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आप मोस्टली कहाँ से खरीद रहे हो? आप मोस्टली यूके से खरीद रहे हो, यूके से। आप चाइना से खरीद रहे हो, आप जापान से खरीद रहे हो, आप ईस्टर्न यूरोप से खरीद रहे हो। आपकी मोस्टली जो मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, आप इन कंट्रीज से क्या कर रहे हो? आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप इन कंट्रीज से खरीद रहे हो। इसी तरीके से हम यूएसए से आटा खरीदते हैं। आप लोगों को याद होगा सेक्शन 3 में अयूब खान पढ़ा था, ओ सॉरी अर्ली मिनिस्ट्रीज पढ़ा था, मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर के अंदर हमने व्हीट मंगाया था फ्रॉम यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया यूएसए से अभी भी आटा आता है, वेजिटेबल ऑयल वहां से आता है, मशीनरी, मशीनरी बहुत सारी यूएसए की आती है, आपने सुना होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मोस्टली यूके, चाइना, जापान एंड ईस्टर्न यूरोप। मशीनरी, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट यूएसए से। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, क्योंकि दीज आर कंट्रीज विच आर रिच इन ऑयल। आपके पास ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी आ जाती है? ये ओमान आ जाती है, कुवैत आ जाती है, ये आपके पास सऊदीया वाली साइड आ जाती है। तो इधर से हम मिनरल ऑयल खरीद रहे हैं। मलेशिया से हम एडिबल ऑयल, मतलब जो खाने वाला ऑयल है, वो हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। श्रीलंका से चाय की पत्ती खरीद रहे हैं, श्रीलंका की चाय की पत्ती काफी मशहूर है। तो हमारे पास ये कुछ इंपोर्ट्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि हम कहाँ से बाहर से खरीद रहे हैं। तो यूके, चाइना, जापान, ईस्टर्न यूरोप से मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मशीनरी, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट यूएसए से, मिनरल ऑयल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, एडिबल ऑयल मलेशिया से, टी श्रीलंका से। तो ये हम खरीद रहे हैं, ये रट्टा है, आपने रट्टा इसको मारना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी बेटा इतनी इंपोर्ट्स इनफ है। मोस्टली आपके पास इंपोर्ट्स का सवाल आएगा 1 या 2 मार्क का, और वो भी मोस्टली ऊपर टेबल दिया होगा, उसी में से आपने सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास इंपोर्ट्स आपने क्या कर ली? याद कर ली कि इंपोर्ट्स हमने ये खरीद ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, हमारी इंपोर्ट्स क्या है? बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारी इंपोर्ट्स क्यों इतनी ज्यादा है? अगर आपके पास सवाल आ जाए पेपर के अंदर, सर हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा क्यों है, आप अगर ये बात करो तो हम इंपोर्ट्स में क्या कर रहे हैं? हम बाहर से जो चीजें खरीद रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं, हम लग्जरियस गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर एक मशीनरी बाहर से मंगाते हैं, अगर मैं एक इंडस्ट्री के लिए कोई मशीनरी मंगा रहा हूँ, कम से कम भी 30-40 लाख रुपए की है। मैं एक गाड़ी बाहर से मंगा रहा हूँ, कम से कम भी सस्ती 20-30 लाख रुपए की है। अगर मैं एक आईफोन बाहर से मंगा रहा हूँ, कम से कम भी 3-3.5 लाख रुपए का है। तो हमारे पास जो हम बाहर से चीजें मंगा रहे हैं वो लग्जरियस गुड्स मंगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट्स हमारी क्या है? ज्यादा। फिर हम रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, हम कोयला इंपोर्ट करते हैं, कोल कोल। हम लोगों ने जब पावर का चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम एंथ्रासाइट कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम ऑयल बाहर से आपने पढ़ा कि हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से हम जो है आयरन, आयरन ओर, हेमेटाइट, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम सारी चीजें रॉ मटेरियल अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या आएगा? हमारी करेंसी पर फर्क आना शुरू होगा। तो आप ये बता रहे हो कि हमारी इंपोर्ट्स क्या हो रही हैं? बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमारी इंपोर्ट्स तो हैं ज्यादा, अब इसका हल बता दूं। हल ये है कि भाई आप सबसे पहले क्या करो कि अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स को अच्छा करो, आपका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा करो, ताकि आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़े। सर क्या मतलब? मतलब ये है बेटा कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को पता होगा ज्यादा, आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों ने क्या करा होगा कभी जिंदगी के अंदर? एक चॉकलेट स्प्रेड आता था न्यूटेला, अब ये न्यूटेला है, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लोग खाते थे, सही है, और ये महंगा भी होता था, लोग खरीदते थे। अब तो कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया, लोग अभी भी इसको खरीदते हैं, लेकिन ये अभी कुछ हद तक बैन हुआ है। अब हमारे पास इसी की कॉपी आई, इसी की कॉपी आई, एक कंपनी है यंग्स के नाम से, और कुछ यहाँ की कंपनीज थी, उन्होंने कोशिश करी उन्होंने कोशिश करी कि हम क्या करते हैं कि इसकी टक्कर के अंदर एक चॉकलेट स्प्रेड इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कर दिया चॉकलेट स्प्रेड इंट्रोड्यूस। उन्होंने न्यूटेला, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 7,000 रुपए, सॉरी 1,700 रुपए,
तो यंग्स का वो बेच रहे थे 700-800 रुपए का, मतलब हाफ द प्राइस उन्होंने कर दी कि हाँ कोई ना कोई क्या कर ले उसको खरीद। लेकिन फिर भी वो नहीं बेका, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उसके अंदर ये मसला आता था कि लोगों ने क्या करा, जब उसको यूज करना शुरू करा तो उसमें ये पता चला कि अगर उसको बाहर रखते थे तो उसके अंदर से एक लिक्विड ऑयल निकलना शुरू हो जाता था उसका, और उसका चॉकलेट स्प्रेड थोड़ा सा और उसकी फॉर्मेशन गलत होना शुरू हो जाती थी। लोगों ने उसको यूज नहीं करा। स्टैंडर्ड क्वालिटी, अगर मैं बात करूं अभी जो लोग आईफोन यूज करते हैं, वो अगर मैं उनको ये कहूँ कि आप यहाँ का कोई ब्रांड यूज कर लो, अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करो सारे ब्रांड्स मोस्टली बाहर के, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ के कौन से मोबाइल हैं, जमाने में चलता था क्यू मोबाइल, उसको आप ऐसे फेंको ना तो वो फौरन टूट जाता था। अभी हमारे पास क्या है कि वहां के जो मोबाइल्स हैं वो क्या है, बेहतर है। क्वालिटी जहां पर बेहतर मिलेगी हम वो चीज क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो आप ये बताओगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ा देंगे तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे। दूसरा हल ये है कि आप क्या कर दो, टैक्सेस बढ़ा दो। सर किस बात के टैक्सेस बढ़ा दें कि भाई जो लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स बढ़ा दो। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ये करा कि जितनी भी लग्जरियस आइटम्स थे उन सब पे क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। अब जब आप बाहर की आइटम्स पे टैक्स बढ़ा दोगे तो उस पर प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे। फिर आप तीसरा का आप क्या कर सकते हो, आप कोटा अप्लाई कर दो। आप कोटा ये अप्लाई कर दो कि भाई इतनी लिमिट है, इससे ज्यादा हम बाहर से नहीं खरीद सकते, हम इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप बाहर से जितना खरीदोगे ज्यादा आपका मुल्क उतना डिफॉल्ट की तरफ जाता रहेगा, तो कोटा सेट कर दो। पाकिस्तानी गुड्स पर टैक्सेस कम कर दो। जैसे कि आपको ये बात पता है कि हर गुड पर सेल्स टैक्स लग रहा होता है, जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि हर उस पर आपके पास इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, आपके पास कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स तो हर उस पर लग रहा है। अब जब ये लग रहा है तो हम पाकिस्तानी गुड्स पर टैक्सेस कम कर दें और बाहर की गुड्स पर टैक्सेस ज्यादा कर दें, ताकि वो ही लोग खरीद सकें जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि लेविश लाइफस्टाइल गुजार। लग्जरियस आइटम्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट नहीं करें। सर लग्जरियस आइटम्स क्या है, तो आप उसकी एग्जाम्पल्स हो गए, सेल फोन हो गए, कार्स हो गई, आप ये बताओगे कि हम बाहर से मशीनरी कर रहे हैं, हम उनको इम्पोर्ट नहीं करें। फिर आप रॉ मटेरियल वो यूज करो जो लोकली अवेलेबल है, हम इम्पोर्ट नहीं करें। आप एग्जाम्पल दोगे कि हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जब स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लेदर, हम रबर, तो ये सारी चीजें जब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हम ना करें। और आप ये बताओगे कि हम जो है वो पावर जो यूज करें, जो पावर जनरेशन कर रहे हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें, ताकि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करेंगे तो हमें फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। मतलब ये है कि बिजली पानी से बनाओ, बिजली सोलर से बनाओ, बिजली विंड से बनाओ, बिजली वेस्ट से बनाओ। अगर कोयले ऑयल गैस से बनाओगे तो ही इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो हम वो वहां से बना ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट्स आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इंपोर्ट्स क्या होती हैं, इंपोर्ट्स हम क्या क्या करते हैं और किस तरीके से हम इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, तो ये हम